जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश के आगरा एयरो की ओर से 15 फरवरी से 8 मार्च 2021 के बीच कीथम के इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में सेना भर्ती रैली कराई गई थी, लेकिन कोरोना के नाम पर लगाए रोक के चलते इस भर्ती का एग्जाम भी अभी तक नहीं हो पाया है। वैसे तो एग्जाम या भर्ती को लेकर आधिकारिक तौर पर अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इस भर्ती में शामिल हुए एक अभ्यर्थी को सेना भर्ती कार्यालय के डायरेक्टर की ओर से एक पत्र जरूर लिखा गया है, और जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही वो पत्र है। हम इसमें इस अभ्यर्थी की पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मामला क्या है वो आपको पूरा बताते हैं। दरअसल एक अभ्यर्थी इस सेना भर्ती में शामिल हुआ था, जिसने दौड़ सहित मेडिकल आदि ग्राउंड की तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं और वो एग्जाम में शामिल होने वाला है, लेकिन एग्जाम में शामिल होने से पहले भर्ती कार्यालय की ओर से युवाओं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, जिसमें अभ्यर्थियों के मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कराया गया। इस दौरान इस अभ्यर्थी ने जो दस्तावेज भर्ती के दौरान जमा कराए थे वो इस जाँच में फेंक पाए गए हैं, जिसके चलते सेना भर्ती कार्यालय के डायरेक्टर ने उक्त अभ्यर्थी को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी दी है, और साथ ही इस संबंध में डायरेक्टर ने उस अभ्यर्थी को बुलाया है, और जिसमें कहा गया है कि सेना भर्ती में फेक दस्तावेज लगाए जाने पर क्यों ने आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाए। और आखिर में इस अभ्यर्थी को कहा गया है कि 22 अप्रैल तक इस सेना भर्ती कार्यालय में पहुंचकर कारण बताओ नोटिस का जवाब दे। इसको लेकर जो प्रस्तावित कार्रवाई की जानी है उसके लिए कोई आधार नहीं है, तो इस मामले में एक पक्षीय निर्णय लिया जाएगा। यानी इस बंदे ने भर्ती के समय जो दस्तावेज जमा कराए थे वो गलत दस्तावेज लगाए थे या फेक दस्तावेज लगाए थे, और जब उन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया तो उस समय वो दस्तावेज पकड़ में आ गए, इसलिए इस बंदे को सेना भर्ती कार्यालय अब बुलाया गया है। हालांकि ऐसे और भी बहुत सारे मामले आए होंगे, क्योंकि यह विभागीय कार्रवाई है जिसके बारे में थर्ड पर्सन को जानकारी नहीं होती है। अगर किसी ने भी गलत दस्तावेज लगाए हैं तो उसके पास भी यह लेटर पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा। अब देखिए साथी, उस लेटर के सामने आने के बाद से यह सवाल मन में उठने लगा है कि सरकार सिर्फ सेना भर्ती रैली और एग्जाम को लेकर तिथि फिक्स नहीं कर रही है, जबकि सेना भर्ती रैली और एग्जाम को लेकर अंदर ही अंदर चल रही है, और इस लेटर का बाहर आना भी यही बताता है कि अधूरी सेना भर्ती को पूरा कराने के लिए यानी एग्जाम कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। हालांकि दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर से कोरोना का रोना शुरू हो गया है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक सरकार सेना भर्ती एग्जाम कराती है और कब से देश में नई सेना भर्ती रैलियां शुरू होती हैं। तो चलिए साथी, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।